ना करनी चाहिए इस प्रकार। अच्छा एक और जो चीज़ आती है जो कि है शिव जी से रिलेटेड, कि जब इतनी सारी लीलाएं हमने सुनी जिसमें यहाँ लग रहा है कि शिव जी जो हैं भगवान विष्णु के भगवान श्री कृष्ण के अनुगत हैं, उनके भक्त हैं, लेकिन शिव पुराण भी तो एक ऐसा पुराण है जिसके अंदर तो कुछ और बताया जा रहा है। इसमें जो है शिव जी की दिखा जा रहा कि इस तरह से उन्होंने बल्कि सुदर्शन चक्र दिया तो उन्होंने दिया भगवान विष्णु को, तो उसमें जो है हम देख रहे हैं शिव जी इज हैविंग सुप्रीम पोजिशन, ऐसा कैसे? तो इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं श्री जीव गोस्वामी। बताते हैं कि ना 14 मनमंत्र होते हैं, 14 मनमंत्रों में एक मनमंत्र आता है उसको बोलते हैं तामस मनमंत्र। ये तामस मनमंत्र के अंदर भगवान शिव जी को पूरा कंट्रोल दे देते हैं, तो इसलिए उसमें जो कुछ भी होता है इट इज अंडर द डायरेक्शन एंड सुप्रीमेसी एंड कंट्रोल एंड पोटेंसी ऑफ लॉर्ड शिवा। सिर्फ 14 में से एक मनमंत्र तामस मनमंत्र, बाकी 13 मनमंत्र में भगवान विष्णु ही रहते हैं कथा धरता, लेकिन एक मनमंत्र आता है तामस मनमंत्र। तामस मनमंत्र में जो होता है उसको लिख दिया गया है शिवपुराण के अंदर। तो शिव पुराण है और क्या वो सच है? बिल्कुल सच है भाई, पुराण है वो, ये तो शब्द ब्रह्म है, तो शब्द ब्रह्म तो गलत हो ही नहीं सकता। तो लेकिन उसके अंदर जो लिखा हुआ है वो है तामस मनमंत्र में होने वाली कथा। ऐसा उसमें फिर विष्णु जो है उसे उसे कृपा भी लेंगे, उसे आशीर्वाद भी लेंगे, उसे सुदर्शन भी लेंगे, और फिर जो शिव जी हैं ना उनका आदि देखा जाएगा ना उनका अंत देखा जाएगा, he appears like अनंत लॉर्ड शिवा। लेकिन 14 में से सिर्फ एक मनमंत्र में ऐसा होता है, और ये किसकी इच्छा से होता है? भगवान विष्णु की, भगवान नारायण की इच्छा से ऐसा होता है। ऐसा तो इस प्रकार से उस पर्टिकुलर मनमंत्र में शिव जी बिकम्स द सुप्रीम। तो वो डिस्क्रिप्शन जो तामस मनमंत्र का है वो है शिवपुराण के अंदर, तो इसीलिए जो शिवपुराण में है वो सच है। तो इसलिए शिव जी के जो अनुयायी होते हैं वही मानते हैं, देखो शिव जी शिवपुराण में ऐसा लिखा है, ठीक है इनकी भागवत पुराण होगी, हमारे भी शिवपुराण है। हाँ जी बिल्कुल, शिवपुराण में लिखा है वो सही है, बट आउट ऑफ 14 इट इज ट्रू ओनली इन वन मनमंत्र, तामस मनमंत्र, दैट्स इट। ऐसा तो इस प्रकार से शिव जी जो है कृपा करते हैं और बहुत ही दयालु हैं,